दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें सीजी टेक चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद यहां पर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी मिले। चल 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 क्यों हो रहे ए गाड़ी स्टार्ट कर। अब गिम्बल का ये वाला जो बटन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर आपका कैमरा किसी डायरेक्शन में मूव हुआ है तो जैसे ही आप इसको डबल प्रेस करेंगे ये इस तरीके से अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे ये फिर से वापस आ जाता है। कुछ भी गिम्बल के डिस्प्ले में यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी कितना परसेंट बचा है वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, और ये पैन फॉलो मोड पे है तो उसका स्क्रीन दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन मोड दिया हुआ है, PF मोड, PTF मोड और FPV मोड। यहाँ पर तीनों मोड पे आप अलग अलग स्विच कर सकते हैं। जैसे ही आप स्विच करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो आ जाता है। देखिए अभी PTF मोड में है और ये हमारा PTF, और ये पेन फॉलो मोड सेंटर वाला, और यहाँ पर देख सकते हैं PF मोड, और यहाँ पर कस्टम ये FPV मोड। अरे कहना क्या चाहते हो? DJI RS3 गिम्बल में ये जो ऑप्शन है ये गियर के लिए है। इसके प्रो वर्जन पे गियर आपको मिल जाता है जिसको आप लेंस पे कनेक्ट करने के बाद इसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको गियर नहीं मिलता है, आपको अलग से परचेस करना पड़ता है गियर को, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। ताले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गिम्बल का मेनू ऑप्शन लाने के लिए इस तरीके से स्क्रीन को ऊपर से नीचे डायरेक्शन पे स्क्रॉल करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉक ऑप्शन है, ये ब्लूटूथ ऑप्शन है, यहाँ से आप ब्लूटूथ पेयर कर सकते हैं कैमरे के साथ में, और ये इसको म्यूट करने का ऑप्शन है साइलेंट मोड ऑन, और ये हमारा गिम्बल का सेटिंग दिया हुआ है यहाँ पर, समझ रहे हो? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये सभी सेटिंग आपको यहाँ पर अलग अलग सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज भी दिया है, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, आपको डिवाइस का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ये तीनों मोड पे आपको इस तरीके से जब आप इसको राइट साइड स्क्रॉल करेंगे तो टाइम लैग ट्रैक और ये पैनोरामा मोड आपको मिल जाता है। ये देखिए अभी PTF मोड में आ गया, इसमें भी सेम है, ये देखिए PTF मोड आ गया, इसमें भी आपको सेम मिल जाता है, और ये आपका PF मोड हो गया, और ये आपका FPV मोड, इसमें भी आपको सेम टाइम लैग ट्रैक और पैनोरामा मोड आपको मिल जाता है। अच्छा हमको सिखा दिया है। अगर आप गिम्बल के स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तो ये M बटन को आप सिंपली प्रेस करेंगे, इसका जो स्क्रीन है ये लॉक हो जाता है, और इसको फिर से प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाते हैं। अगर आप आउटडोर सूट में हैं और गिम्बल को लेकर कहीं जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि गिम्बल के सारे एक्सिस लॉक रहें ताकि ट्रैवल करते टाइम आपको दिक्कत मत हो, तो यहाँ पर आप पावर के बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो इसके जो सारे एक्सिस है वो लॉक हो जाते हैं। ये देखिए ये लॉक हो गया, अब इसको आप आराम से मूव कर सकते हैं, इसके मोटर पे कोई लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके सारे एक्सिस अभी लॉक हो चुके हैं। इसको फिर से अनलॉक करना है तो पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे, सारे एक्सिस अनलॉक हो जाएंगे। ये देखिए इस गिम्बल में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये पबजी वाला है, जैसे यहाँ पर आप इसके जो फॉलो स्पीड है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्लो, मीडियम, फास्ट, और यहाँ पर कस्टम आप अपने अकॉर्डिंग इसके स्पीड को भी सेट कर सकते हैं। इस गिम्बल में एक ट्रैक का ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा फीचर्स है। इसके थ्रू आप अपना जो रिकॉर्डिंग है उसका एक पॉइंट सेट कर सकते हैं, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, सेकंड पॉइंट ये रहेगा, थर्ड पॉइंट ये रहेगा, मेरा कैमरा एंगल इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाएगा, ऐसा करके आप उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। सपोज़ इसको क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का ऑप्शन दिख जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना होगा कि फर्स्ट पॉइंट आपका कहाँ से स्टार्ट होगा,
ये सपोज मेरा हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिखा रहा है, यहाँ पर हॉरिजेंटल 72 डिग्री, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मेरा मोमेंट ड्यूरेशन और स्टेट टाइमिंग पूछ रहा है, मोमेंट ड्यूरेशन तो सेम जीरो रहेगा वहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है। स्टेट टाइमिंग को मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे मेरा जो कैमरा है वो 2 सेकेंड रुके, तो यहाँ पर मैंने 2 सेकेंड सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सेकेंडरी जॉयस्टिक से मैं इसको सेकेंड पॉइंट दे देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेकेंड पॉइंट मेरा ये रहे। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल 6 डिग्री और वर्टिकल 11 डिग्री हो गया है। अब यहाँ पर मैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पर प्लस के ऑप्शन को फिर से क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मेरा जो मोमेंट ड्यूरेशन है वो 2 सेकेंड है, मतलब यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक पहुँचने का जो टाइमिंग लगेगा वो 2 सेकेंड लगेगा, मैं चाहता हूँ कि वो 5 सेकेंड में पहुँचें, थोड़ा स्मूथली पहुँचें। तो यहाँ पर मैंने 5 सेकेंड सेट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टे टाइमिंग है पॉइंट टू पे स्टे टाइमिंग रहेगा वो भी 2 सेकेंड का रहेगा, ये मैंने 2 सेकेंड सेट कर दिया और 5 सेकेंड मोमेंट ड्यूरेशन नेक्स्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि थर्ड पॉइंट मेरा ये रहे मेरा थर्ड पॉइंट, चलो ये रख देते हैं थर्ड पॉइंट। यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में हॉरिजेंटल 119 डिग्री, वर्टिकल 12 डिग्री हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको प्लस के ऑप्शन को फिर से क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका जो मोमेंट ड्यूरेशन है मतलब सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक पहुँचने का जो ड्यूरेशन टाइमिंग है वो 10 सेकेंड रहे, तो यहाँ पर मैं इसको 10 सेकेंड कर दिया और स्टे टाइमिंग को भी मैं यहाँ पर 2 सेकेंड रख देता हूँ। अब ये हो गया मेरा 3 पॉइंट, इसके अलावा भी आप और पॉइंट सेट कर सकते हैं, बस इसको स्टार्ट कर देना है। आप अपना कैमरे का रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे यहाँ पर बटन को, रिकॉर्डिंग के बटन को ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेकंड पॉइंट पे पहुँच गया, हाँ अब ये सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पहुँचने में टोटल 10 सेकेंड लगाएगा। ओके ये हो गया। तो इस तरीके से आप ट्रैक पे आप एक पॉइंट देकर उसको कैमरे को मूवमेंट को आप सेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मुन्ना। फिर से इसको डबल टैप करने के बाद फिर से इसको सेम पोजीशन पे ले आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर FPV मोड पे देखेंगे, FPV मोड पे ये है 3D Roll 360। यहाँ पर आप किसी को फॉलो करते हुए इस तरीके से आप इसको जॉयस्टिक्स को देखेंगे, यहाँ पर ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव होगा हॉरिजेंटली, यहाँ पर देख सकते हैं ये कैमरा अप एंड डाउन इस तरीके से नहीं होगा, ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन पे ये मूव करेगा। यहाँ पर ये मोड है FPV में 3D Roll 360। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा फीचर्स है। यहाँ पर गिम्बल को कैमरे से ब्लूटूथ पेयर करने के लिए आपके कैमरे पे पहले ब्लूटूथ सेटिंग पे इसको पेयरिंग करना होगा और उसके बाद यहाँ पर गिम्बल पे ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है और उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपका मॉडल सर्च हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आपको इसको कनेक्ट कर देना है। यह भी कनेक्ट हो गया। ब्लूटूथ पेयरिंग होने के बाद यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, यहाँ के बटन को प्रेस करने के बाद ये देखिए रिकॉर्डिंग फिर स्टॉप हो गया। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अभी मेरा गिम्बल अनलॉक पोजीशन पे है, ये देखिए, और इसको डबल टैप करके फिर से पोजीशन पे ले आते हैं और जब आप गिम्बल को ऑफ करते हैं तो फिर से ये जिस पोजीशन पे आप ऑन किए थे उस पोजीशन पे ये वापस लॉक हो जाता है इस तरीके से। क्या कारीगरी है।
तो दोस्तों आपको इस गिम्बल का डिटेल रिव्यू वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही टैग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।